फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अच्छा करता है, राइट। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपके क्रश की इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए, वो क्या कुछ सोच रहे, क्या कुछ फील कर रहे हैं। एकदम हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे, तिथा पे ध्यान ना दे। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है, कलेक्टिव के एनर्जीज होते हैं, तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। जो रेजोनेट होता है उसे रखें, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए। अगर आप बहुत सालों से महीनों से इंतजार कर रहे हैं आपके क्रश के एक्शन का और एक्शन नहीं आ रहा है, डेफिनेटली इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको एड्रेस मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने, ठीक है। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्स और क्वीन ऑफ वैंड्स आए हैं। चांसेस स्ट्रांग है आपके इस रिलेशनशिप में दो पार्टीज है, मतलब कि जैसे कि इस पर्सन को कोई और भी लाइक करता है या तो ये शादीशुदा हो सकती है, और जो कि आप भी इनको जैसे कि लाइक करते हो, ऐसा कुछ है, क्योंकि यहाँ पे दो दो क्वींस आए हैं, ठीक है। तो करंट में आपके जो भी क्रश है, आपके क्रश एरिलियो सैजिटेरियस में सिंह धनु राशि, जैमिन लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि के हो सकते हैं। नंबर 111 आपका एंजल नंबर दिख रहा होगा, नंबर 7951 आपके आपके क्रश के बर्थ डेट में हो सकता है, ठीक है। तो इस वक्त जैसे कि बहुत ज़्यादा हैंग है, परेशान है बहुत ज़्यादा। अगर आपके इस रिलेशनशिप में आप पहले एक दूसरे से थोड़ी बहुत भी बातें करते थे तो झगड़े तो डेफिनेटली हुए किसी बात को लेके, तो उन झगड़ों के बारे में करंट में सोच रहे हैं। और ये आपसे बात करने का अभी दिल करता है करंट पर, लेकिन आपसे जानबूझकर बात नहीं कर रहे, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं प्रोटेक्शन के एनर्जीज में। और जो कि चाहे जो हो जाए, आपसे बात करना मतलब लड़ाई करने जैसी एनर्जीज को इनको लग रहा है करंट में। आप बहुत ज़्यादा गुस्से में इनको नज़र आ रहे हो, और शायद ये हो सकता है कि आपके क्रश अगर आपके साथ रिश्ते में आना भी चाहे तो अपने कंडीशंस पे इस रिश्ते को स्टार्ट करना चाहेंगे। अगर आपने अभी तक इनसे कभी कुछ बात करी ही नहीं है, सिर्फ दूर से देखा देखी चल रही है, तो ये पर्सन ऐसे पर्सन है जो कि ज़िद्दी बहुत ज़्यादा है और अपने ही हिसाब से रिश्ते को चलाने वाले पर्सन हैं। तो अगर इनका दिल करता भी आपसे बात करने का, तो करंट पे इनको लग रहा है कि अगर अभी आपसे बात करेंगे तो शायद हो सकता है कि जो इनको लग रहा है कि आप इनके बारे में मतलब प्यार वाली फीलिंग्स दे रहे हो, तो पता नहीं अगर मैं उसको पूछने जाऊंगा तो शायद झगड़ा हो जाए। ये ना आपके साथ झगड़ा नहीं करना चाहते, झगड़े से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इसी वजह से जो कि इनको ये भी लग रहा है कि आप कुछ रूड एनर्जीज में बहुत ज़्यादा हो सकता है कि अगर ये आपके साथ जैसे कि रिश्ता स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले आपकी ये कंडीशन हो सकती है कि तुम मुझसे शादी कर। तो ये आपको आपकी इस एनर्जीज को समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर आप चाहते क्या हो। अगर अभी तक आपका कुछ भी रिश्ता नहीं है तो क्या आप इनसे शादी करना चाहते हो या सिर्फ लव रिलेशनशिप रखने में इंटरेस्टेड हो? अगर यहाँ पे शादी की बात आती है तो ये हैंग रहेंगे, समझ में नहीं आएगा कि आपको हाँ बोलूँ कि ना बोलूँ, और ये अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे क्योंकि इनकी सबसे पहली जिम्मेदारी इनके घर वाले हैं, अपने माँ बाप हैं। ये इनके माँ बाप की सुने बिना जो उनके माँ बाप बोलेंगे वे वही करेंगे। तो भले आपको लाइक करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, लेकिन अगर आपको स्वीकार करने की बारी आते हैं तो ये जैसे कि 2 कदम पीछे चले जाएंगे, ये आपको इग्नोर करेंगे। करंट में इसी तरह से सोच रहे हैं, इसी वजह से इनको समझ में नहीं आ रहा है। इनका करंट में कन्फ्यूजन ये है कि क्या आपकी ऐसी कंडीशन तो नहीं है कि आपको इनसे शादी करनी है? अगर सिर्फ लव रिलेशनशिप रखना है तो मैं रेडी हूँ, लेकिन ये मैं पूछूँ कैसे? अगर ऐसा कुछ पूछने जाता हो तो झगड़ा हो सकता है, इस वजह से आपसे करंट में बात नहीं कर रहे, ठीक है। जानबूझ के आपको मतलब इग्नोर किया जा रहा है, और नेगेटिव एनर्जीज है यहाँ पे, ब्लैक बिल्ली है जो यही शो करती है कि आपको लेके कुछ गलत बातें इनको कोई बता रहा है, या तो इन्होंने खुद ही अपने माइंड में ऐसा क्रिएट करके रखा है, चाहे जो है, लेकिन ये आपको पसंद बहुत करते हैं। इमोशंस इनके आपके लिए बहुत ज़्यादा है, दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड आपको लेके पॉजिटिव है, सिर्फ ये आपकी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते करंट में। इस तरह की एनर्जी आपके क्रश की इस वक्त की, ठीक है। हम देखते हैं आप क्या चाहते हो इनसे। ट्रू मैसेज दे यूनिवर्स, मेरे यूवर्स इनसे क्या चाहते हैं, मेरे व्यूवर्स इनसे क्या चाहते हैं। जस्ट ने बोला इनको लगता है कि आप कुछ कंडीशन रखोगे शादी को लेकर, और इनको अच्छे से पता है कि ये आपसे शादी करने के लिए कभी हाँ नहीं बोल सकते। डिफरेंसेस हो सकते हैं आप में, जो डिफरेंसेस ऐसे है कि शायद ये आपको स्वीकार नहीं कर पाएंगे, तो इसी वजह से जो आपसे करंट में बात नहीं कर रहे। करंट में ये हो सकता है कि आप इनके साथ सिर्फ रिश्ता स्टार्ट करने की एनर्जीज में हो, लेकिन जो कि इनको डर तो लगता है फिर आपसे बात करने का, ठीक है। यस, आपको लगता है कि आपके साथ फिर इनजस्टिस होगा अगर ये आपसे शादी नहीं करेंगे तो इसी वजह से ये पर्सन आपको जैसे कि शायद देख कर भी अनदेखा करते होंगे, ठीक है। यहाँ पे इग्नोरेंस वाली एनर्जीज तो है, तो हम चेक करते हैं इस वक्त आपसे बात क्या करना चाहते हैं।
ट्रू मैसेज दे रहे हैं। इस वक्त इनके क्रश इनसे बात क्या करना चाहते हैं, इस वक्त इनके क्रश इनसे बात क्या करना चाहते हैं, ये आपको बताना चाहते हैं, आपको ऑफर करना चाहते हैं प्यार का, ये आपको बताना चाहते हैं कि मैंने बोला जैसे कि यहाँ पे दो दो क्वींस हैं, तो हो सकता है कि इनका पहला किसी के साथ ब्रेकअप हुआ है और उस ब्रेकअप से अभी तक निकले नहीं है, और वो ब्रेकअप भी शायद इसी वजह से हुआ है कि ये उस पर्सन को स्वीकार नहीं कर पाए। ये टेन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जीज में है, इनका दिल करता है आपसे बात करने का, लेकिन ये इस एनर्जी से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे तब तक ये आपसे बात नहीं करेंगे। ये जैसे कि ना चाहते हुए मूव ऑन कर रहे हैं, मतलब ना चाहते हुए आपको इग्नोर कर रहे हैं, इनकी इच्छा नहीं है आपको इग्नोर करने की, लेकिन दिल नहीं है, और जो कि इस पेन से बाहर नहीं निकल पा रहे इसी वजह से आपसे मूव ऑन कर रहे हैं, और जो कि परेशान बहुत ज़्यादा है अपनी ज़िंदगी में। इनका इस वक्त भी दिल कर रहा है आपसे बात करने का, लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हैं। एट ऑफ कप्स भी मूव ऑन को ही शो करता है, तो करंट पे आपको यही बता रहे हैं कि अगर आपसे इस वक्त बातें नहीं कर रहे, नेगेटिव एनर्जीज दे रहे हैं, तो आपको इनको टाइम देने की ज़रूरत है। इनकी ज़िंदगी में करंट में बहुत प्रॉब्लम है और नेगेटिव एनर्जीज है, एक बार ये नेगेटिव एनर्जी चली जाए फिर ये आपसे बात करेंगे खुद होके, एस ऑफ वैंड से इन्हीं की तरफ से आपको ऑफर आएगा, ठीक है। आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, इस तरह से आपके क्रश करंट में आपको बता रहे हैं, ठीक है। इस वक्त आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है, ट्रू मैसेज दी यूनिवर्स। इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। सेवन ऑफ सोर्ड्स से यहाँ पे, और सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज यही शो करते हैं कि आप इनको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हो, स्टॉकिंग एनर्जीज भी जैसे कि नेगेटिव एनर्जीज होती है, तो स्टॉक करना बंद करो, क्योंकि स्टॉकिंग करने से भी इनको जैसे कि फील होता है कि आप इनके ऊपर कंप्लीट नज़र रख रहे हो, तो जो इंसान ना इरिटेट होना, मतलब ये अपने आप में बहुत ज़्यादा गुस्सा फील करने लगता है, इनको ये दिखाई देता है, इनको ये फील होता है, तो आपको स्टॉकिंग एनर्जी से बचना है। अगर आप बच पाते हो तो ये पर्सन जैसे कि आपके और अट्रैक्ट भी हो जाएंगे, और जैसे कि खुद होकर आपसे बात भी करेंगे, ठीक है। यूनिवर्स करंट में आपको यही बता रहे हैं कि आपको स्टॉकिंग एनर्जी से बचना है, इनको खुद होकर अगर कॉल मैसेज करने का ट्राई करते हो तो मत करो। अगर आपने कुछ इंस्टा से कहीं से इनको मैसेज करके रखा है और इन्होंने जैसे कि आपको रिप्लाई नहीं दिया है, तो बार बार मैसेजेस करना बंद करो, और इनकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ बार बार चेक करना, इनके अकाउंट पे क्या चल रहा है, किससे बातें कर रहा है, ये सारी हरकतें करना बंद करो, ठीक है। अगर आप ऐसा कर पाते हो ना, तो डेफिनेटली ये पर्सन आएंगे आपके और अट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि इनको आपके अंदर कॉन्फिडेंस दिखाई देगा, जैसे कि आप नीडी नज़र नहीं आओगे इनको, ठीक है। तो यस, यही है आपके लिए एंजल गाइडेंस करंट में। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करनी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।